हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम करेंगे एक्सिस बैंक की एनालिसिस। तो मार्केट अभी भी लाइव चल रही है, 5 मिनट यहां पे क्लोजिंग में है। तो एक्सिस बैंक में अगर आपकी पोजीशन है तो इसमें देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट सपोर्ट हमें इसमें मिल सकती है और एट प्रेजेंट कहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सिस बैंक में हमने लगा रखा है 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, और 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट बना हुआ है। बार बार मैं अपनी एनालिसिस वीडियो में भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ, उसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे हमें मिला। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मोमेंटम दिया, फिर कंसोलिडेट यहाँ पे किया। कंसोलिडेशन के बाद मैंने बताया था कि रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आ सकता है, और ये वाली जोन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की मैंने बना रखी है, एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रही है। दैट इज 1000 से लेके 990, इसके लिए एज अ सपोर्ट एक्ट यहाँ पे कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एक्सिस बैंक के लिए यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताना जा रहा हूँ, एक जो ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है जो कि 4 अक्टूबर को, ये थोड़ी यहाँ पे ना पूरा यहाँ पे गेम चेंज कर सकती है। एट प्रेजेंट देखिए 2 दिन से इसमें इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रही है, और इसी तरीके से अगर ये अपने हाई को ब्रेक करके दैट इज 1010 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करती तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपने लो ओवर एंड दैट इज 990 को यहां पे ब्रेक कर दे और फिर अपने ट्रेंड लाइन तक यहां पे डाउनफॉल दिखा दे, दैट इज 967 के लेवल तक यहां पे डाउनफॉल ये दिखा सकती है। तो अभी यहां पे मेक एंड ब्रेक लेवल पे ये ट्रेड कर रही है, तो अगर पोजीशन है तो आप इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर यहां पे 990 के नीचे सस्टेन करती है देन दिस इज फेलियर ऑफ दिस राइजिंग वेज पैटर्न का यहां पे फेलियर माना जाएगा। और सपोज करिए यहाँ पे ये 1010 के ऊपर फिर से सस्टेन करने लगता है और इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट माना जाएगा 1031, 1030 मान के चलिए राउंड फिगर में। 1030 के लेवल को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 1030 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक इस पैटर्न का ब्रेकआउट है, राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है, और फिर फास्ट मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी जरूर करें।